बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नाज़रीन। और आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हों। आज हम बनाने वाले हैं काशीफल की अचारी सब्जी। ये बहुत ही जायकेदार बनती है, तो देखते हैं कि हमें इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए हमने यहाँ पर लिया है ये आधा किलो काशीफल। इसको हमने छील कर अच्छे से धोकर साफ कर लिया है और इतने बड़े पीस में काट लिया है। एक मीडियम साइज की हमने प्याज ली है, इसको भी हमने इस तरीके से ही स्लाइस कर लिया है। और मसालों में हमें चाहिए हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स। मैंने यहाँ पर चिली फ्लेक्स लिए हैं, आप इसकी जगह मिर्ची पाउडर भी ले सकती हैं। हाफ टी स्पून साबुत जीरा, नमक हम लेंगे टेस्ट के हिसाब से, 1 टी स्पून धनिया पाउडर, 1 टी स्पून आमचूर पाउडर, 1/2 टी स्पून मेथी दाना, 1 टीस्पून सौंफ, 1/4 टीस्पून कलौंजी, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है मस्टर्ड ऑयल। ये मस्टर्ड ऑयल में बहुत ही जायकेदार बनती है सब्जी, और थोड़ा सा हरा धनिया। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना हम काशीफल की अचारी सब्जी। देखिए तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें सबसे पहले जीरा डाल देंगे। और जीरा अच्छे से भुन जाएगा तो हम इसमें प्याज डाल दें। अब हम इसमें ये प्याज डाल देंगे और प्याज को हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। देखिए हमारी प्याज को फ्राई होते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम कलौंजी, मेथी दाना और सौंफ डाल देंगे और इसको फिर हम 2 से 3 मिनट तक फिर फ्राई करेंगे। देखिए हमारी प्याज 2 से 3 मिनट और फ्राई हो चुकी है, हमें बस इसको इतना ही फ्राई करना है, इससे ज़्यादा हमें इसको फ्राई नहीं करना है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसको भी भून लेंगे। बस अब इसी के साथ हम इसमें ये काशीफल डाल देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे इसमें। देखिए हमने इसको काशीफल को इसमें तेल में डालकर 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्राई कर लिया है। आंच को हमने अभी तक मीडियम पर ही रखा हुआ है शुरू से अब तक। अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करते हैं। इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। अब मैंने आंच को स्लो कर दिया है मसाले डालते टाइम ताकि मसाले जले ना। धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर, चिली फ्लेक्स और नमक। नमक हम टेस्ट के हिसाब से डालेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं और पक जाएं और ये जले नहीं। और इसको अच्छे से मिक्स करके हम 5 मिनट के लिए कवर करके इसको पकने देंगे। मीडियम टू लो आंच पर हम इसको पकने के लिए रख देते हैं। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं हमारी सब्जी को पकते हुए। अब हम इसको खोलकर देखते हैं और इसको अच्छे से चला देंगे। इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। अभी देखिए हमारी ये सब्जी अभी हमारी गली नहीं है, तो अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। बस थोड़ा सा ही डाला है मैंने, ज़्यादा नहीं, 1/4 कप से भी थोड़ा कम डाला है मैंने इसको। और इसको अच्छे से चलाकर 5 मिनट के लिए फिर हम इसको कवर कर देंगे। काशीफल को पकते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, अब फिर हम इसको चेक करते हैं। वैसे हमने बीच में एक बार और इसको चेक कर लिया था, आप भी इसको पकाते में बार बार चेक करती रहें 3 से 4 मिनट के बाद और इसको चलाती रहें ताकि ये जले ना। अब देखिए काशीफल हमारा अच्छे से ये गल चुका है और ये बहुत अच्छे से पक चुका है अब बिल्कुल।
अब ये सर्व करने के लिए तैयार है। मैं गैस ऑफ कर देती हूँ और इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। लीजिए, अचारी काशीफल बनकर बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही जायकेदार बना है। आप इसको गर्मा गर्म पूरी और पराठे के साथ सर्व कीजिए। ये पूरी और पराठे के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताएं और मेरी इस रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख पाएं। अल्लाह हाफिज़।